ओके, सायतामा गंजा कैसे हुआ? वेल, सायतामा है कौन? जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ, सायतामा वन पंच मैन का मेन कैरेक्टर है। वन पंच मैन एक ऐसी सीरीज है जो 2009 में रिलीज हुई और 2012 तक देखते देखते पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया। तभी ये एनिमे टॉप 10 एनिमे लिस्ट में आता है। इस वीडियो में हम वन पंच मैन के कुछ फैक्ट्स और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात करेंगे, जैसे सायतामा गंजा कैसे हुआ, हीरो एसोसिएशन कैसे बना और इसके क्रिएटर को क्यों कोई नहीं जानता, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वन पंच मैन, जिसे जैपनीज लैंग्वेज में वन पंच मैन कहते हैं, वेल, अगर आपने इस सीरीज को पहले से ही देखा है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना, और अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सीजन वन के एपिसोड हैं, तो आप इसे देख सकते हो। बट इस वीडियो को देखने के बाद, इस सीरीज के राइटर जिनका नाम वन है, ONE, जिन्हें आज तक ना किसी ने देखा है और ना ही इनका कोई रियल नेम जानता है, केवल एक पर्सन के, जिसका नाम यूसुके मुराता है। वेल, वन ने 2009 में इसकी मांगा को सेल्फ पब्लिक किया और यूसुके मुराता ने इस सीरीज को इलस्ट्रेट किया, और 2012 में सुएसा कंपनी ने इसको पब्लिश किया, जिससे आज ये पूरे वर्ल्ड में इतना पॉपुलर हो गया कि वन पंच मैन टॉप 10 एनिमे लिस्ट में आता है। 2021 के मुताबिक इसके 23 वॉल्यूम्स रिलीज हो चुके हैं। वेल, इसमें दो मेन कैरेक्टर है, जैसे वन पंच मैन जिसका नाम सायतामा है और दूसरा उसका दोस्त जेनोस जो एक साइबॉर्ग है। वेल, ये दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है क्योंकि ये हमेशा सायतामा को डिफीट करना चाहता है। वेल, इस सीरीज की स्टार्टिंग होती है जेट सिटी में। एक बार द जायंट सबटर्नस नाम का मॉन्स्टर एक अजीब से चीन ठुड्डी वाले बच्चे को मारने के लिए आता है, जिसे सायतामा अपनी पावर से बचा लेता है, और यहीं से हीरो एसोसिएशन की शुरुआत हो जाती है। अब तुम सोचोगे कि कैसे हीरो एसोसिएशन की शुरुआत हो जाएगी, तो देखो, जिसे सायतामा ने बचाया वो अगोनी का पोता था। अब अगोनी कौन? अगोनी एक मिलेनियर है जो इन्हीं सब मॉन्स्टर को मारने के लिए एक हीरो एसोसिएशन बनाता है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये सीरीज इस लेवल तक की औसम है। अगर आपने इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड देख लिया तो आप सीजन वन के एपिसोड खत्म किए बिना नहीं उठोगे। लिटरली मैं 3 दिन से वन पंच मैन को देख रहा था, इसलिए ये वीडियो लेट हो गई। देखने में तो सायतामा का कॉस्ट्यूम सिंपल सा लगता है, बट इसके इलस्ट्रेटर यूसुके मुराता ने इंटरव्यू में कहा था कि सबसे मेन प्रॉब्लम सायतामा के कॉस्ट्यूम को बनाने में लगा था, कि अगर वो सुपरमैन की तरह बनाते तो वन पंच मैन की जो पर्सनालिटी है उसके साथ मैच नहीं होता। अगर ये करेक्टर आपको देखा देखा लग रहा है तो कोई बात नहीं, ये सेम टू सेम अनपन मैन जो एक अमेरिकन किड्स शो है उसी की तरह बनाया गया। ऐसे तो सायतामा मॉन्स्टर को सिर्फ वन पंच में ही खत्म कर सकता है, बट वो चाहता है कि उसको अपोनेंट और ताकतवर हो, और ताकि वो देरी तक लड़ सके और अपने आप को एंटरटेन कर सके। सायतामा की मेन प्रॉब्लम है उसकी लिविंग लाइफस्टाइल, क्योंकि ना तो उसके पास कोई जॉब है। पहले सायतामा एक शॉपिंग मॉल में क्लर्क का जॉब करता था, लेकिन एक जायंट मॉन्स्टर ने उसके शॉपिंग मॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए अब वो एक अनएम्प्लॉयड है और उसके घर का रेंट भी जेनोस ही भरता है। सायतामा का फेवरेट फूड है फ्रेंच फ्राइज, वो यूजली ऑल टाइम उसे ही खाता है। तो अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर, सायतामा गंजा कैसे हुआ? वेल, जेनोस ने भी यही क्वेश्चन सायतामा से पूछा था, तब उसने आंसर दिया था कि वो हर दिन 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स एंड 10 किलोमीटर रनिंग करता है, जिससे उसमें ये सुपर पावर आई। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें भी पता है ऐसा करने से सिर्फ बॉडी परफेक्ट बनेगी, सो इसका आंसर गंजा होने से कुछ भी लेना देना नहीं है। बट यूसुके मुराता ने कहा कि ये करेक्टर गंजा ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसके क्रिएटर सायतामा को सिंपल दिखाना चाहते थे ताकि इसका फेस इंप्रेशन अच्छी तरह से दिख सके, ताकि लोग इससे रिलेट कर सके, इसलिए इसको गंजा ही कर दिया गया। इसके क्रिएटर वन ने वन पंच मैन का सायतामा का नाम इसलिए रखा क्योंकि जहां वो रहते थे उस जगह का नाम ही सायतामा है। आपने अगर इस सीरीज को देखा है तो आपने ये जरूर नोटिस किए होंगे कि सायतामा तभी मॉन्स्टर को मारता है जब सारे हीरो डिफीट हो जाते हैं, या सायतामा एंटरटेन होने के लिए मॉन्स्टर को मारता है। सायतामा ऐसे पढ़ाई में वीक। एक फैन थ्योरी के मुताबिक जब बोरोस ने सायतामा को मून पर फेंका था, तब सायतामा मून से अर्थ पर 1.5 सेकंड के अंदर अर्थ पर जंप कर लिया था। तो दोस्तों, ये थे सायतामा के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो आप बहुत औसम हो, और अपने भाई को सपोर्ट करो और 100 सब्स कंप्लीट करा दो।